मेरी आत्मा का नाम हरिशंकर शर्मा है, कोटा से हूँ मैं, और 30 वर्षों से जो है ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और काफ़ी योग वगैरह भी करता हूँ, और करीबन 15 साल तक जो है मैं ज्ञान सरोवर सेवा में आया हूँ। लेकिन 2015 में मेरे को तकलीफ़ हुई, जब 2015 में मेरे को जो है तकलीफ़ हुई तो उसमें जो है क्या नाम मेरे जो जांच वगैरह करवाई गई कोटा के अंदर, तो सारी रिपोर्ट की जांच, PAC रिपोर्ट वगैरह, और दूसरा क्या नाम वो MRI बायोप्सी वगैरह सब कराई। उसके बाद में जो है वो रिपोर्टें मुझे दिखानी थी डॉक्टर को उसी दिन जांच करने के बाद, पर लेकिन मुझे ज्ञान सरोवर जो है सेवा में आना था। तो रिपोर्ट में क्या था? रिपोर्ट को नहीं, वो डॉक्टर को नहीं दिखाई, डॉक्टर को शंका हुई उन्होंने कि आपको तो बहुत प्रॉब्लम है और आप ये रिपोर्ट कराई, तो सारी रिपोर्ट हमने करा ली, और रिपोर्ट कराने के बाद में उसी दिन मेरे को सेवा में आना था, क्योंकि मैंने रिजर्वेशन करा रखा था 3-4 दिन पहले से। तो वो 8 बजे बस निकलने वाली थी और डॉक्टर के यहाँ नंबर आने में तो 10-11 बज जाते, तो फिर मैंने सोचा मैंने उधर सेवा करके आऊँगा जब ये रिपोर्टें दिखाऊँगा। घर वालों को भी नहीं बताया? हाँ, अरे उनको भी नहीं बताया डॉक्टर को। तो उसके बाद में फिर मैं ज्ञान सरोवर सेवा करने चला गया, वहाँ भी जो है 2 बजे से उठ के जो है 5 बजे तक योग करता था मैं खूब, तो वहाँ पर 3 महीने सेवा दी। 3 महीने सेवा देने के बाद में फिर जब घर आया तो घर भी मेरे को कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन फिर पुणे जब है मैं ज्ञान सरोवर में 2016 में जो है सेवा करने के लिए गया, तो वहाँ पे जब सेवा की तो मुझे वहाँ पे हॉस्पिटल में जब तकलीफ हुआ, मैं 1.5 महीने जब मैंने सेवा की तो मुझे जो तकलीफ हुई तो वहाँ हॉस्पिटल में मेरे को एडमिट किया गया 2-3 दिन के लिए। लेकिन उन्होंने कहा भाई ये जाँचें आपको करवानी है, तो मैंने कहा मैं कोटा जाके करा लूँगा, आप मुझे छुट्टी दे दीजिए। तो वहाँ से छुट्टी लेने के बाद में जब कोटा आया, तो कोटा जब सारी जांचें करवाई, MRI वगैरह, बायोप्सी वगैरह, ब्लड टेस्ट वगैरह, और क्या कहते हैं सोनोग्राफी, ये सारी की सारी जांचें जब कराई गई, और जब डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई, तो पुरानी रिपोर्ट दिखाई डॉक्टर को और वो भी दिखाई, तो डॉक्टर ने देखा कि आपको तो कैंसर था पहले, तो उन्होंने कहा कि अब आपने बहुत लेट कर दिया और अब तो स्थिति आपकी बहुत बढ़ गई है, लास्ट स्टेज पर पहुँच गया है। तो उन्होंने इस तरह से कहा, मैंने हम लोगों ने किसी से भी नहीं कहा कि भाई हम कैंसर है कोई, तो जब इन डॉक्टर ने दवा वगैरह लिख दी तो दवा मैं लेके नहीं आया और घर पे आ गया, तो मेरे कोई चिंता नहीं हुई दिमाग में, पर लेकिन थोड़ा स्ट्रेस तो आया, लेकिन यानी फिर यानी जैसे कोई भी पूछने के लिए आता था तो कि भाई आपको क्या तकलीफ है, आपकी गांठ कैसे, मैंने मेरे कोई गांठ नहीं, मेरे कोई तकलीफ नहीं, मैं तो बिल्कुल ओके हूँ, यही सबको जवाब देता था। लेकिन जब दर्द ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ गया, तो क्या नाम मैंने फिर यानी दवाइयाँ वगैरह भी ली थोड़ी बहुत, लेकिन यानी दिमाग में यही सोचता था कि भाई मरना तो है ही, लेकिन अपन खुशी खुशी मरे, मतलब जैसे वो बीमारी में भूल जाता था। योग भी बराबर करता था, कभी ज़्यादा तकलीफ होती तो अक्सर लेट के ही योग करता था, पर मैं करता था, लेकिन जब लास्ट में मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी, तो एक नाइट तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होने लगी, तो बाबा से मैंने यही कहा कि बाबा